कृषि विभाग लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहा है, और इसके अतिरिक्त मैंने जैसा कहा बहुत सारे कार्यक्रम हैं, समय समय पर उसकी जानकारी भी आप सब लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से दी जाती है। लेकिन आज ये प्रेस वार्ता का मकसद ये था कि जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम अभी वर्तमान समय और परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है उसकी जानकारी आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। आप सभी मित्रों का धन्यवाद। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो आप हेलो थोड़ा परास और जमीन की जो बात कर रहे हैं, जो भी फल वाली फसलें हैं उसको उस पे क्या MSP देने पे आप विचार कर रहे हैं? जैसे दूसरे राज्यों में ऐसे फसल सरकार एक MSP देती है, बिहार। आपके सुझाव को मैं अपने विचाराधीन विषयों में रखता हूँ। सर, MSP से ही है कि धान का जो तय किया गया, धान का जो तय किया गया है MSP, उसमें जिनको खरीदने के लिए कहा जाता है सरकार की तरफ से, वही लोग बीच में दलाल पैदा करके और किसान से 400 से 500 रुपए कम करके खरीदवा देते हैं, और फिर वो पैक्स के माध्यम से अपना बीज का कमाई कर रहे थे। इसके लिए सरकार क्या नहीं, ऐसा किसी भी करने वाले के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई हमेशा करती है, और यदि कोई ऐसा करता है इसकी सूचना हमें होता है, नहीं तो सूचना मिले हमें या सहकारिता विभाग को, चूंकि मुख्यतः एक मिनट मुख्यतः इस काम में सहकारिता विभाग रहता है। ठीक है कि कृषि उत्पाद जो उत्पादित होता है वह हमारे विभाग से जुड़ा होता है, बट उसका जो खरीदने का काम होता है वह सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुल मिला के राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किसी के संदर्भ में ऐसी जानकारी मिलती है सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। सर, GI टैक्स जितना मिला, अब सुनिए, अब समय बहुत हो गया, नहीं तो सब लोग आश्वासन दीजिए कि जितना बोल रहे हैं बहुत सारे GI टैक्स है, तो इसके एक्सपोर्ट के लिए आपको बहुत बात सुनने में आता है कि वो शाही लीची जो है कहीं दूसरे कंट्री में गया, फिर क्वालिटी कुछ सब स्टैंडर्ड रहा तो रिटर्न या डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है सर? एक्सपोर्ट जो कि GI टैग आपका जो प्रोडक्ट, नहीं जैसे जैसे जो हमारा GI टैग मान लीजिए मखाना है, लीची है, तो हजरदालू आम है, तो ऐसे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़े इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी आम महोत्सव लगाया गया राज्य सरकार की तरफ से, लगाया गया माननीय राज्यपाल महोदय की तरफ से लगाया गया, उसमें भी राज्य सरकार और हमारे विभाग ने पूरा हिस्सा लिया। उसके अलावे आप देखे होंगे अभी मखाना महोत्सव हम लोगों ने किया। तो इन सारे कार्यक्रमों को करने का मकसद ही होता है कि किसानों को उत्साहित करना, उनको बाजार उपलब्ध कराना, और बाजार जो जो मार्केटिंग करते हैं उनको किसानों के साथ जोड़ना। और इसी के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी से भी मैंने बात की है, और बिहार में अभी तक कोई एक्सपोर्ट का कार्यालय नहीं था, बनारस में कार्यालय है जहाँ से सारी चीज़ें संचालित होती हैं। तो एपिडा का कार्यालय है, आप पत्रकार मित्रों ने अभी 4-6 दिन पहले मैंने कहा था, उसको आप लोगों ने प्रकाशित भी किया था, एपिडा का कार्यालय पटना में खुले इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संपर्क में हूँ, उत्पादों को निर्यात कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो सके। सवाल है, से 150 करोड़ रुपया तो आप लोग स्वीकृत किए थे, 32,000 किसान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अभी तक कितनी राशि बांटी गई है, कितने किसानों को राशि दी गई है, इसका कोई आंकड़ा? देखिए, मैंने कहा आपको 26 जुलाई आज से लगभग 10 दिन पहले इसका पोर्टल खुला है। अभी पोर्टल खुलने के बाद किसानों ने आवेदन देना शुरू किया है। मैंने बताया लगभग 32,000 आवेदन हमारे पास आए हैं। जब आवेदन आता है तो उसको जांच करके, उसको स्वीकृत करके फिर उसको भुगतान किया जाता है। तो ये प्रक्रिया तो अभी 10 दिन अंदर शुरू हुई है, भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैंने अद्यतन जो जानकारी अभी लिया है ये तेजी से बढ़ेगा अभी, क्योंकि जब कोई रसीद जमा होता है बिना जांच के भुगतान नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 12-13 लाख रुपए तक का भुगतान हुआ है, ये तेजी से जैसे जैसे रसीद जमा होगा जांच होते जाएगा बढ़ता जाएगा। मंत्री जी, 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की कार्रवाई कब तक प्रारंभ की जाएगी? नहीं, ये बहुत ओपन है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने राज्य के अधिकतर कोल्ड स्टोरेज मालिक उसमें आए थे, कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ हमने बैठक की,
और अन्य उद्यमी भी जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी आए थे। और ये खुला ऑफर है कृषि विभाग की तरफ से, कोई भी जो कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहता हूं, मैं आज आपके माध्यम से भी फिर एक बार बिहार के उन 12 जिलों के किसानों से या कोल्ड स्टोरेज लगाने वाले कोई व्यवसायी उससे जुड़ना चाहें, सभी से अपील और आग्रह करना चाहता हूं कि आप उन 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए आवेदन दीजिए। कृषि विभाग बिहार सरकार आपको पूरी मदद करेगा, 50% अनुदान देना है। दो तरह के कोल्ड स्टोरेज खोले जाते हैं, 100 मैट्रिक टन और 200 मैट्रिक टन की। तो जिस तरह का वो कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहेंगे हम उनको सहयोग करेंगे। सर एक सवाल है सर, धान रोपनी से जो 80% हुआ है, तो ऐसे कौन 5 जिले हैं जहां सबसे अच्छी धान रोपनी हुई है? ऐसे 5 जिले कौन है जहां सबसे कम धान रोपनी हुई है? आप पूरा मेरा परीक्षा ले रहे हैं कृषि मंत्री। सर 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 जर्दालू आम और लीची, मैं पहले एक तो जवाब दे देता ना, ना एक एक जवाब देंगे हम, खाली हेल्थ का जवाब नहीं देते, एग्रीकल्चर का भी जवाब देंगे। सर जर्दालू आम, अभी पहले वो धान वाला बोल दीजिए, इसी के धान रोपनी से ही एक सवाल नहीं, सबसे एक मिनट भाई, प्रश्न ये था सर्वाधिक 5 वो जिले जहां अधिक रोपनी हुई और वैसे 5 जिले जहां कम रोपनी हुई, ये पूछा गया। तो कटिहार में 107%, सहरसा में 101%, किशनगंज में 100.75%, गोपालगंज में 100.58% और अररिया में 100.52%। ये 5 जिले टॉप वाले हो गए। अब नीचे वाला भी लिख लीजिए, जमुई 46.60, बांका 49.62, गया 57.44, नवादा 58.42, औरंगाबाद 58.55। नीचे से 5 वाले ही है। अब जर्दालू आप बोलिए, ऐसा कुछ प्लानिंग था फिर मारने का सोच रहे? कोई किसान, मैंने कहा चारों तरफ जाने पे किसान एक ही बात कहते हैं। मैं कहता हूँ बहुत तरह की सुविधाएं आपको दी जा रही है, कहता है कि मंत्री जी सब सुविधा एक तरफ, ये जंगली जानवर सबसे बचा दी मंत्री जी, ये किसान बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। मंत्री जी, फसल क्षति जो पशुओं के द्वारा की जाती है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति का भी कोई योजना है क्या? ओ, वन विभाग की तरफ से उसका कुछ प्रावधान, अभी नया सर्कुलर भी। सर इसमें एक सवाल है सर कि 2,95,000 प्रयास है और सूरों की संख्या बताए, तो ऐसे ये संख्या मारे जाने वालों की संख्या है क्या रिपोर्ट? नहीं, ऐसी संख्या प्रतिवेदित हुई है अभी। देखिए क्या, ये तो घूमने वाला जीव है ना, कोई एक जगह स्थिर थोड़े, घुमंतु जीव है ये, अनुमानित संख्या। मैंने इसीलिए जब मैं शुरू में बोल रहा था उसी वक्त मैंने शब्द बोला, ये अनुमानित है, ये घुमंतु जीव होते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई एक ही ब्लॉक में रहते हैं, कई जिला पार कर जाएंगे इधर से उधर। इधर प्रश्न पूछ रहे थे, पहले उनको कर लेते। मेरा वही प्रश्न है कि इसमें प्लानिंग में क्या है, जैसे आप 7 फुटर की भी बात कर रहे हैं सर, ये चीज है, सो व्हाट इज द प्लानिंग, आई मीन विल यू गो एंड किल देम और व्हाट? देखिए, संख्या को नियंत्रित करना होगा, संख्या को कम करना है, तो संख्या को कम करने के लिए निश्चित रूप से हम उन सारे प्रयासों को कर रहे हैं जो संख्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। और इसके लिए 4 विभाग संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं, उसमें कृषि विभाग है, पंचायती राज विभाग है, वन पर्यावरण विभाग है, गृह विभाग है। तो किसान जो उत्पादन कर रहा है और किसान परेशान है, तो यदि खेत में कुछ पैदा हो रहा है और कल बचे ही नहीं और जंगली जानवर आके उसको खराब कर रहे हैं, तो उसकी संख्या को तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा। मंत्री जी जी, और परास और सुअर का व्यवस्था आपने किया है, लेकिन बहुत जगह के लिए क्या कार्य होगा? आपके सुझाव के आलोक में मैं विभाग में चर्चा करूंगा। मंत्री जी, परास के लिए और परास को रोकने के लिए कई योजना भी शुरू की गई थी, घेराबंदी वगैरह, वो फेल हो गया, इसके बाद आप कैसे करेंगे उसको? नहीं, आप देखिए, आपने जो बातें कही वो सारे प्रयास अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन इन जो प्रयास अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार कर रहे हैं, इसके पूर्व में भी प्रयास हुए हैं और उसके कुछ परिणाम भी बहुत अच्छे दिखाई पड़े हैं। जैसे वैशाली जिले में बहुत अच्छा परिणाम दिखाई पड़ा है और वहाँ के किसान अब राहत महसूस कर रहे हैं। तो अंतिम उद्देश्य तो हमको ये है कि हम कैसे किसान कृषि योग्य भूमि पे हम कृषि
उत्पाद अधिक से अधिक कर सके और किसानों को राहत दिला सके, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जो जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा सब तरह का काम करेंगे। सर पिछले दिनों कृषि विभाग कहा था कि उसके मांस को लेकर अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो चल रहे हैं, मैंने उसकी चर्चा की। ऐसे कृषि इतना व्यापक क्षेत्र है कि कृषि विभाग के जो कार्यक्रम चलते हैं वो भी उतने ही व्यापक होते हैं। जैसे पेड़ के बहुत सारी तना होती हैं, उसी प्रकार से कृषि विभाग का भी बहुत तना होता है और बहुत तरीके से, कई तरीके से किसानों को हम सहयोग करते हैं, किसानों को मदद करते हैं। और हमारा मानना ये है कि यदि बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है तो किसानों को समृद्ध करना होगा, और किसानों को समृद्ध करना है तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करना होगा। तो राज्य सरकार बहुत सतत तरीके से बिहार के किसानों को हर संभव सहायता देने का काम कर रही है। इतनी कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देनी थी।